अब सावत्री उल्टी हट जा, उल्टी उल्टी हट जा। नहीं महाराज। क्यों क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म मेरा जो मेरी तू मेरी जिंदगी कट जा। अगर तू तेरे पति की लाश से अलग हो जाएगी, क्योंकि मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता, उसकी आत्मा को नहीं निकाल सकता, मैं तेरे नजदीक आया तो तेरे सत की अग्नि मुझे भस्म कर देगी। तू तेरे पति की लाश से अलग हो। नहीं महाराज। क्या चाहती है? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज। लेकिन पति के प्राण नहीं मिलेंगे, कुछ और मांग ले तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, तू इसकी लाश से अलग हटे तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। नहीं महाराज, मैं अपने पति से एक क्षण भी अलग नहीं हूँगी। तेरे को अलग करना होगा। नहीं महाराज। एक काम कर। क्या? पति को जिंदा करवाना चाहती है? जी महाराज। खड़ी हो। वो दूर फूल खिल रहा है गुलाब का, वो तोड़ के लाकर मुझे दे दे, मैं तेरा पति जिंदा कर दूंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं। कैसा? ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। अरे बड़ी चालू है तुझे, समझ गई मेरा चल। जी बेटी, इसको छोड़, सत्यवान के सिवा मांग ले। सत्यवान के सिवा मांग ले। हर किज को न्याटाड़ करूं। दिखे पहली वचनी, पहली वचनी भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करूं। पहले वचनी भरो। ठीक है महाराज। सत की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जावान वसता जति पति बिने, मोक्ष पता किस ढाल करूं। जावान वसता जति पति बिने, मोक्ष पता किस ढाल करूं। ए भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। करता हूं। जी महाराज। तीन वचन नहीं, तीन वरदान देता हूं ले। पहला वचन ब्रह्मा, दूसरा वचन विष्णु, तीसरा वचन महेश। तीन वरदान मांग ले जो मिट जाते तेरे कलेश। अच्छा, मांग लिए वरदान सावित्री, मांग लिए वरदान सावित्री, कर ले बेटी यकीन मेरा। दिखे राज मिले, हेरे राज मिले, और नैने खोल दो वो ससुराल तरहीन मेरा। राज मिले और नैने खोल दो वो ससुराल तरहीन मेरा। ये तेरा पहला वरदान। जी महाराज। तू चाहती है कि तेरे सास ससुर नेत्रहीन अंधे हैं। हाँ। उनकी आंखें खोल दूं। जी महाराज। चोंडा राय मंत्री ने राज खोसले और राज उल्टा दिला दूं। हाँ महाराज। बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री,
ऐसा ही होगा सावित्री देख लिए तो सीन मेरा दिखे बिना पति की श्रीमान मन होगा पति मलीन मेरा बिना पति के श्रीमान मन होगा पति मलीन मेरा जीत उसी की होती है भला जीत उसी की होती है जो सत पर डट जा दिखे उस मानसी का की कर ले जो कहीं बात में डट जा उस मानसी का की कर ले जो कहीं बात में डट जा जो कही बात ने नट जा जो कही बात ने नट जा जी। मैं नटूंगा नहीं। अच्छा तीन वरदान दिए। हाँ पहला वरदान दे दिया जी। दो वरदान बचे हैं। हाँ महाराज मांग ले। है सोच फिकर सोच फिकर को छोड़ सती सोच फिकर को छोड़ सती दिल की चिंता दूर करो दिखे दो पुत्र हो दो बेटे हो मेरे पिता के धर्मराज मंजूर करो दो बेटे हो मेरे पिता के धर्मराज मंजूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान जी महाराज। चाहती के तेरे पिता के दो पुत्र हो। हाँ यानी के तेरे दो भाई। जब बेटी आज गणराज जी सुमे तेरा दूसरा वरदान दो पुत्र नहीं जी 100 भाई। अच्छा तथास्तु। ठीक है महाराज। है 100 भाई तेरे हो जाएंगे 100 भाई तेरे हो जाएंगे खुशी आज भरपूर करो देखे एक पुत्र हो एक बेटा हो मेरी कूक से तेजस्वी और शोर करो एक बेटा हो मेरी कूक से तेजस्वी और शोर करो। तेरा बड़ा 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 धन्यवाद जी कि तूने अपने पति को नहीं मांगा दोहरा दू कदे पाछनों का चीटिंग कर गया। हाँ महाराज पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंखें उनका राज जी तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे दो नहीं 100 भाई। हाँ तेरे पिता के 100 पुत्र तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। है देता हूँ वरदान सती देता हूँ वरदान सती अब काया का तेरा दुख हट जा तू भी हट जा। रुकिए महाराज। क्या हुआ? रुकिए। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखे कैसे होगा कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति अलैदा हट जाए कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलैदा हट जाए। सावित्री। जी महाराज। क्या कहा? कैसे होगा पुत्र जब पति अलैदा हट जा। जी महाराज। हमने पहले ही कहा था। क्या? इस कि है यो पिता है पुत्र पति। हाँ पति जी। अनुप्रास अलंकार में अड़ जा रही है। हमने पहले कहा था कि इस पति को मत मांगना। तो महाराज मैंने पति को कहाँ मांगा है? फिर मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। तो पुत्र दे तो दिया। अच्छा महाराज एक बात बताइए जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज। ये तुमने सोचा ही नहीं बेटी तूने हमारे साथ छल किया है। नहीं महाराज मैंने कोई छल नहीं किया है। हम आपको ये वरदान नहीं देंगे। नहीं महाराज आपको तीनों वरदान पूरे करने होंगे और अगर आप मेरे तीनों वरदान पूरे नहीं कर सकते तो आप वापस चले जाइए। यू कैन गो। त्रिभुवन का यमराज की बेइज्जती। यू कैन गो। बेटी मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते कांपते होंगे। मैं नहीं कांपती। तुझे तनिक भय नहीं हमसे? नहीं है भय। मुझे देख। क्या? देवी 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 डरावे मत।
एक काम कर, तू चार पांच वरदान और ले ले। नहीं महाराज, यो नहीं दे सकते। आप पहले मेरे ये तीन वरदान पूरे कीजिए, फिर बाद में बात करूंगी आपसे। ये तीसरा वरदान पूरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता कि ये मर लिया। अच्छा, मैं चाहकर भी किसी के प्राण ले नहीं सकता, किसी के प्राण दे नहीं सकता। तो वचनहार हो जाइए। वचनहार होगा तो मेरी भी नाक कटलेगी बेटी, कोई ऐसा जुगाड़ बता। अरे आपका नाम तो यमराज है, यमराज। तने तो मुशी बना दिया। अरे आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? यो नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपकी तो हाथ में है। मेरे हाथ में किमी भी ना है। अच्छा हाँ, बड़े बड़े देवता ऊपर भी बैठे, ये श्रृंखला टूट जाएगी। अच्छा, ये नहीं हो सकता। नहीं महाराज, करना ही होगा। हे सावित्री, सावित्री, हे सावित्री, सावित्री, तन्ने वचन भरा के, सावित्री, तन्ने वचन भरा के, चक्कर बीच फसाया, दिखे नो निधि, हेरे नो निधि, और बारा सिद्धि, आपकी ने आपकी माया, नो निधि, और बारा सिद्धि, आपकी ने आपकी माया, क्यों कर जीवित कर दूंगा, क्यों कर जीवित कर दूंगा, मैं तेरे पति की काया, सब कुछ दिखी, सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया, सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। केवल एक तरीका है। क्या? मैंने देख लिया तेरी उम्र अभी 100 वर्ष बकाया है। अच्छा, अगर तू अपनी आधी जिंदगी अपने पति को दे देगी, 50 साल, 50 साल तू जी ले, 50 साल तेरा पति जी ले, लेकिन सोच ले 100 साल घना ही हुए हैं, और ना कितने मिल जाएंगे, और क्यों खराब करा दी जिंदगी। यही तरीका है, आधी जिंदगी का दान दे संकल्प करके, तो तेरे पति को जिंदा कर दूंगा, अन्यथा और कोई चारा को नहीं। महाराज आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर आप मेरी पूरी भी जिंदगी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी। महाराज ताली बजानी पड़ेगी इस बात पर। यमराज खुश हो जाते हैं और सुजनों दोनों को अमर होने का वरदान देते हैं, सती सावित्री को सती का दर्जा देते हैं, और एक पुत्र जो होने का वरदान दिया था उसको भी एक गंधर्व पुत्र होने का वरदान मिलता है। भाई मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, जान हरि हर कारत जा, रघुनाथ धर्म तीरथ पे,